पानी लेकर पूरा परेशानी है कि पानी इतना गंदा पानी छुपके पड़े गया टोटल, इतना भी संग्रामपुर गांव को लग रहा है कचरा पानी है, इससे फील्ड होके इसी में आती है, इसमें पकड़ा बिच्छू ये क्या बोलते हैं भैसिया जो सब पूरा आ गया, जिसके कारण पब्लिक यहाँ आके काम करवाने के लिए नहीं चाहती, वो सिर्फ सेंटर देख के वापस चल रहे हैं। और हम लोग को ऊपर से आदेश है कि अभी क्योंकि वैक्सीन का बिना आधार का नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम लोग के ऊपर से हैं जो मेरे NGO है, उनका कहना है कि आप जाके अपना सेंटर पर बैठिए, बाकी सर को खबर दिए हुए हैं, सर भी लगे हुए हैं कि कहीं सुरक्षित वैसा जगह हो तो मुहैया कराएंगे। पानी के लिए तो हम लोग जो है तो गिरफ्तार में हैं, तबाह यहाँ, हाँ यह तो है, पानी का जल जमाव रहने से तो खतरा होता ही है। तो जो पानी घुसा हुआ है इसकी एक्चुअली है क्या कि ये लो लैंड जमीन जो है ना, वो जमीन नीचा हो गया है, अगल बगल बिल्डिंग बन गए हैं, तो ये इसीलिए बरसात पानी जमा हो गया है। और इसकी निकासी के लिए हालांकि नाला बना हुआ है, परंतु मतलब कि वो प्रॉपर कुछ ज़्यादा ही डाउन वार्ड हो गया है, ये जमीन जो है इसी का पानी निकासी हो नहीं पा रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है ये जमीन को ऊपर करने के लिए, फिलअप करने के लिए मनरेगा के माध्यम से बात किए हुए हैं, और इसका प्रस्ताव भी क्या कहते हैं जिला DDC महोदय को इसका बल्कि गया हुआ है वहाँ से, ताकि मिट्टी फिलिंग होकर इसको अप किया जा सके, वहाँ से फिर फाइनल को इसके बाद आगे रखा होगी। ये तो बरसात का पानी के पास बारिश हुई तक पानी जमा हुआ है, तो स्वाभाविक है चूंकि जमीन नीचा हो गया है बन गया है तो पानी स्वाभाविक जमेगा ही जमेगा। इसके सबसे पहले कि ये चूंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया है इस प्रखंड का, तो इसी कारण से एक फेज में संभव नहीं है, इसलिए पहले जहाँ ज़्यादा पानी जम रहा है वहाँ के प्रस्ताव बना करके मेजरमेंट करके वहाँ क्या भेजा गया, उसका जहाँ जहाँ एक एक करके सेगमेंट वाइज इसका बना करके वो मनरेगा के माध्यम से होगा वो भेजा जाएगा, उसके बाद फिर इसका